please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. Avinash, metals par Vedanta ki khabar, wo inka plant band hai aur aage environment department ne bhi keh diya hai isko shuru karne ki koi zarurat nahi hai kyunki kafi zyada nuksan ho raha hai paryavaran ko. Hindalco, Sail, Tata Steel, ye jo tezi ke players hain aur considering ye out performers hain, abhi bhi aapko mauke dhoond rahe hain kya khareedari karne ke badhat ke? नहीं, मुझे लग रहा है कि हर्षदा वेदांता में शॉर्ट टर्म में ज़रूर थोड़ा बहुत सेंटिमेंट यू नो ख़राब हो चुका है. आई मीन ये एनवायरमेंटल का इशू और ट्यूटोरिकरण के जो इशू हो चुके हैं इससे स्टॉक में थोड़ा कमज़ोरी का ट्रेंड हमने ज़रूर वेदांता में देखा है. लेकिन ऑपरेशनली हमको लग रहा है कि अभी भी नंबर्स वेदांता के काफ़ी अच्छे आएंगे. हालाँकि ये कहना मुश्किल है कि कितना नुकसान इस प्लांट से बंद होने से कंपनी होगा. मेरे ख्याल से अगर किसी को अगले एक साल का नज़रिया लेना है तो वेदांता में समझता हूँ कि अभी भी एक अच्छा वर्ड प्रेजेंट कर सकता है. लेकिन मेटल स्पेस में हमने क्लाइंटों को जेएसडब्ल्यू स्टील का है. हमको लग रहा है कि जेएसडब्ल्यू स्टील एक काफ़ी अच्छा विकल्प है और यहाँ से भी अगर कोई खरीदता है तो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी सिग्निफिकेंटली अच्छा आ सकता है. इनके नतीजे भी काफ़ी स्ट्रांग थे और मैनेजमेंट कॉमेंट्री स्पेशली FY19 के आउटलुक को देखे तो मैनेजमेंट काफ़ी पॉजिटिव है कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में और प्लस जिस प्रकार के रॉ मटेरियल लिंकेजेस इनके पास है हमको लग रहा है कि जेएसडब्ल्यू और वेदांता ये दोनों ही विकल्प यू नो गिरावट में खरीदने के मौके रहेंगे. जेएसडब्ल्यू और वेदांता गिरावट में खरीदने के मौके रहेंगे लेकिन देखते हैं वेदांता की मुश्किलें कब तक दूर होती है. दूसरे स्टॉक्स में तो हमने रिवर्सल देखा. वेदांता थोड़ा सा पीछे रह गया था वो भी पकड़ रहा है तेज़ी. क्या ये बेस बना है? क्या ये एक इंटरेस्टिंग सपोर्ट लेवल है जहाँ पर आप अगर ट्रेडर भी हैं तो मंदी की पोजिशन काटें, तेज़ी करें? किरण, क्या राय होगी आपकी? देखिए प्रदीप जी, बहुत क्रूशल लेवल्स पे अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है. मेरा इंपॉर्टेंट लेवल मेक और ब्रेक लेवल 10,620 है. तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब हमने पहली बार जो क्रैक लिया था करीबन फरवरी महीने में इस साल, जो कि 11,160 से लेके सीधा क्रैक आया था, उसको जो पुलबैक रैली था वो करीबन 10,620 था. उसके बाद इसी बैंड में कंसल्ट करके इसने इस लेवल को तोड़ा था. एक बहुत वापस एक बार अच्छी मूव आई थी और वो एक बुल ट्रैप बन के वापिस इसके नीचे गया है. अभी एक इम्पोर्टेंट लेवल जब तोड़ता है मार्केट तो उसको रीटेस्ट करने के लिए आता है. अब ये रीटेस्टिंग है क्या नहीं ये देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा प्रदीप जी. तो मेरा ये मानना है कि आज थोड़े से प्रोटेक्टिव पुट्स बाय कर सकते हैं क्योंकि हम इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के है. मैं प्रोटेक्टिव पुट्स बाय करने की सलाह दे रहा हूँ क्योंकि इधर से थोड़ी सी भी गिरावट आती है तो बुल्स ट्रैप होते नजर आएंगे. दो दिन में हमने बहुत बड़ी मूव ली है और मार्केट ब्रेथ कल की बहुत वीक थी तो ये पूरा मिला के थोड़ा सा कॉशियस व्यू रखना चाहिए. प्रोटेक्टिव पुट्स बाय करने चाहिए. अगर मंगलवार तक अगर हम 10,620 के ऊपर कंसिस्टेंटली रहते हैं तो शायद इस लॉस बुक करके वापस एक बार लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करनी चाहिए.